मंडी जिला मुख्यालय के पास कांगणीधार में सदर विधानसभा के पहले हेलीपैड का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। शहर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर मंडी दुद्दर सड़क के पास हेलीपैड का निर्माण कार्य तेजी पर है। डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देशानुसार इस हेलीपैड का निर्माण करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उड़ान कार्यक्रम के दूसरे चरण में मंडी में हेलीपैड को बनवाया जा रहा है। डीसी मंडी ने जानकारी देते हुए बताया कि युद्ध स्तर पर चले हुए इस हेलीपैड के एक चरण के कार्य को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। 15 अगस्त को मंडी में निर्मित इस हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर की ट्रायल लैंडिंग भी करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि उड़ान कार्यक्रम में हेली टैक्सी सेवा के लिए मंडी में भी स्टाफ बनाया गया है, जहां से शिमला और मनाली के लिए पर्यटक और आम लोग हवाई सेवा का आनंद भी उठा पाएंगे। ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि यह हेलीपैड पक्का कंक्रीट का बनाया जाएगा और इस कार्य को अक्टूबर महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश के सीएम ने मंडी में अपने दौरे के दौरान जिला प्रशासन को मंडी जिला के 10 विधानसभा क्षेत्रों में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए हेलीपैडों का निर्माण करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अन्य स्थानों पर भी हेलीपैडों के निर्माण करवाए जा रहे हैं। मंडी शहर के नजदीक कोई हेलीपैड न होने की स्थिति में हर बार हेलीकॉप्टर पड्डल मैदान में ही उतरते थे, लेकिन अब हेलीपैड के बनने से पड्डल मैदान खेलकूद आदि गतिविधियों के लिए आसानी से इस्तेमाल किया जाए। तो इसके लिए मंडी में हेलीपोर्ट होना बहुत आवश्यक है। इसको जो है अभी फिलहाल फर्स्ट फेज में इसको समतल करेंगे, हम एक ट्रायल लैंडिंग करके देखेंगे, जो कि हमने निर्धारित समय हमने 15 अगस्त का रखा हुआ है, 15 की डेडलाइन दी हुई है, तो 15 के आसपास जो है हम इसमें ट्रायल लैंडिंग करेंगे और उसके बाद में फिर क्योंकि जो उड़ान की रिक्वायरमेंट है उसमें हेलीपैड जो है पक्का होने की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी एक्टिविटी जो है उसके बाद की जाएगी, ताकि लगभग सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर में अक्टूबर तक हमारा ये फुली फंक्शनल जो है वो हेलीपोर्ट हो जाए जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, मंडी।